नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल आगरा में जहरीली शराब से मौत के आंकड़ों में अब इजाफा हो गया है। अब तक जहरीली शराब से 14 लोगों की जान चली गई है। हालांकि इससे पहले 10 से कम लोगों की जान गई थी, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 14 हो गया है। बता दें कोलारा कला और देवरी गांव में 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं गड़ी जहान सिंह में 4 और मोहरमपुर में 2 की मौत हो चुकी है, जबकि एक युवक का अस्पताल में अभी भी इलाज चल रहा है। साथ ही ताजगंज टोकी शमशाबाद थाने में 9 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं बता दें ठेका मालिकों सेल्समैनों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। वहीं शराब सिंडिकेट का पता लगाने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से, जहां पर जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है और मौत का आंकड़ा 14 हो चुका है। हालांकि इससे पहले बता दें उत्तर प्रदेश में सख्ती के बाद भी लगातार जहरीली शराब से मौत के मामले सामने आ रखे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे। और इसी साल ये भी बता दें कि 150 से ज्यादा लोगों की जहरीली शराब पीने से जान गई है। पूरे उत्तर प्रदेश का यह आंकड़ा है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस साल की बात करें, 2021 की बात करें, तो 150 से ज्यादा लोगों की जहरीली शराब पीने से जान चली गई है। और इसके बाद भी प्रदेश में गंगा किनारे दारू की अवैध भट्टियां जो है वो धड़ल्ले से चल रही थी, वही अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि आगरा में अब तक जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की जान चली गई है। और आगरा का पूरा मामला है, जहां पर जहरीली शराब पीने से पहले 10 से कम लोगों की जान गई थी, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 14 पहुंच गया है। गड़ी जहान सिंह में 4 और मोहरमपुर में 2 की मौत हुई है। साथ ही शराब सिंडिकेट का पता लगाने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। लगातार पुलिस प्रशासन शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रहा है और लगातार यूपी में ऐसे ही खबरें सामने आती हैं। जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार सामने आता रहता है। और अब ये ताज नगरी में मौत का आंकड़ा जहरीली शराब पीने से एक बार फिर से बढ़ गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस मई के महीने में अलीगढ़ की बात कर ली जाए, तो अलीगढ़ में भी जहरीली शराब पीने से 35 लोगों की जान चली गई थी। साथ ही ये सरकारी आंकड़ा था जिसमें बताया गया था कि 35 लोगों की जान गई है। वहीं इस दौरान बता दें 100 से ज्यादा शवों का पोस्टमार्टम भी हुआ था। अगर आजमगढ़ की बात कर ली जाए, तो मई के महीने में आजमगढ़ में ही 33 लोगों की जहरीली शराब पीने से जान गई थी। वहीं बुलंदशहर की बात कर ली जाए, तो बुलंदशहर में भी जनवरी के महीने में अवैध शराब और नकली शराब पीने से कई लोगों की जान गई थी। तो यानी अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से और कितने बड़े स्तर पर यह नकली शराब का कारोबार चल रहा है और लगातार जो लोग हैं वो इसका खामियाजा भुगतते हैं। और आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं कि नकली शराब पीने से किसी न किसी जिले में किसी की मौत हो जाती है। ताजा मामला ये आगरा का है, जहां पर जहरीली शराब पीने से कई लोगों की बीते कुछ दिन पहले जान चली गई थी। तो बता दें आगरा का ये पूरा मामला है, जहां पर जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ गया है। अब तक इस पूरे मामले में 14 लोगों की जान जा चुकी है। लगातार उत्तर प्रदेश से इस तरह की खबरें सामने आती है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में अब ये ताजा मामला आगरा का है, जहां पर जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की जान चली गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में एक बड़ा ऐलान किया है। जी हां, सीएम ने सदन में ऐलान किया है कि बिजली बिलों के फिक्स्ड चार्ज में 3 महीने की छूट दी जाएगी। इससे लगभग प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे और इस योजना पर करीब बता दें 2463 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च भी होगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के हित में काम कर रही है। लोगों के फीडबैक से इस तरह की सूचना मिली थी कि बिजली बिल के फिक्स चार्ज से लोगों को दिक्कतें आ रही है, इसीलिए बिजली बिलों के फिक्स चार्ज में छूट दी गई है और इसके साथ ही देरी पर भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। साथ ही इनके साथ बता दें आशा बहनों को भी 5 महीने तक 2000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। वहीं एक
टैबलेट भी दिया जाएगा। आशा बहनों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं एक लोक सेवक हूं और लिहाजा सभी की समस्या मेरे लिए एक समान है। आपको बताते चले कि विधानसभा परिसर में अपनी मांगों को लेकर बैठे पिलार कलियर के विधायक फुरकान अहमद और भगवानपुर विधायक ममता राकेश के पास गए और उनकी बातों को सुना। मुख्यमंत्री ने दोनों विधायकों को अपने कार्यालय कक्ष में बातचीत के लिए आमंत्रित भी किया था। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ा ऐलान किया है और सदन में यह ऐलान किया है कि बिजली बिलों के फिक्स्ड चार्ज में अब 3 महीने की छूट दी जाएगी। तो ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया है और ऐसे में बिजली बिलों के फिक्स्ड चार्ज में 3 महीने की छूट देने का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। तो बता दें पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। उन्होंने सदन में ऐलान किया कि अब बिजली बिल की दरों पर फिक्स चार्ज में 3 महीने की छूट दी जाएगी। दरअसल अपनी मांगों को लेकर जो है धरने पर बैठे थे काफ़ी समय से विधायक और ऐसे में अब ये सीएम की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। वहीं साथ ही आपको ये भी बता दें कि फिक्स जो चार्ज हैं और बिजली दरों पर अब जो है छूट दी जाएगी। इसके साथ ही देरी पर भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। वहीं इनके साथ ही आशा बहनों को 5 महीने तक 2,000 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। साथ ही एक एक टैबलेट भी दी जाएंगी। वहीं साथ ही आपको ये भी बता दें कि आशा बहनों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत में ये भी कहा कि मैं एक लोक सेवक हूं और लिहाजा सभी की समस्या मेरे लिए एक समान है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ सुभाष गौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ा ऐलान किया है, क्या क्या उन्होंने कहा? जी बिल्कुल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विधानसभा सत्र के दौरान कहीं ना कहीं जनहित से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो आम जनमानस की हो या फिर जिस तरीके से विपक्ष भी कई बार आम जनमानस के जो सवाल हैं सदन में लगा रहे हैं उनको लेके बड़ी घोषणाएं की हैं। चाहे बात कर ली जाए, शुरुआती दौर में मुख्यमंत्री ने सबसे पहले घोषणा पुलिस कर्मियों के लिए की थी और अब जिस तरीके से बिजली के दामों को लेकर मुख्यमंत्री ने घोषणा किया तो कहा जा सकता है कि इसका कहीं ना कहीं असर आम जनता पे जरूर होगा, क्योंकि विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री की जो भी घोषणाएं होती हैं जी और कहा जा सकता है कि सदन के अंदर या सदन सत्र के दौरान जो भी घोषणाएं सरकार द्वारा की जाती हैं, विभागीय मंत्रियों द्वारा की जाती हैं, वो सभी सदन के जरिए पूरी कराई जाती हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि वो कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरती हैं। उसकी मुख्य वजह यही है कि सदन के पटल पर जो भी बात कही जाती है वो सत्य कही जाती है और यही कारण है कि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन के दौरान जो भी बड़ी घोषणाएं की उन सभी घोषणाओं को पूरा करने का काम राज्य सरकार करेगी और उनके पास समय बहुत कम है। इन कम समय में बेहतर प्रदर्शन राज्य सरकार को करके दिखाना होगा। जी सुभाष, आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी सीएम ने कुछ ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि 2,000 रुपए प्रति महीने उन्हें दिए जाएंगे, लेकिन आशा कार्यकर्ता पिछले काफी समय से अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर भी धरने पर बैठी हैं। जी बिल्कुल पारुल, ये बड़ी चीज है कि आशा कार्यकर्ता लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने में बैठती है और ये कोई नई वजह नहीं है आशा कार्यकर्ताओं में, क्योंकि कोविड के दौरान तो जिस तरीके से आशा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर जो रक्षा किट है उत्तराखंड सरकार की कोविड किट है वो लोगों के घरों तक पहुंचाई थी, उन घरों तक पहुंचाई थी जहां कोरोना वायरस पहुंचा था और वो लोग होम आइसोलेट थे, तो कहा जा सकता है कि फील्ड में बेहतर काम उन्होंने कोरोना जंग के दौरान किया है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने ये सब तमाम चीजों को देखते हुए उनकी जो राहत राशि उसे बढ़ाने की बात जरूर की है, 2,000 करने की बात की है। हालांकि इससे पहले पूर्व जो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, उन्होंने भी 500 से उनकी जो आमदनी थी 500 से बढ़ा के 1,000 किया था और अब राज्य सरकार उसे 2,000 कर रही है, तो कहा जा सकता है कि सुभाष, तो क्या सीएम के ऐलान के बाद आशा कार्यकर्ता जो 2 अगस्त से प्रदर्शन कर रही है, क्या उन्हें ये बड़ी राहत तो मिली है और इसके बाद वो अपना प्रदर्शन खत्म कर देंगी?
जी बिल्कुल, प्रदर्शन जरूर खत्म कराने की कोशिश सरकार करेगी। हालांकि जो आशा कार्यकर्ता है उनकी न केवल मानदेय बढ़ाने की मांग थी, बल्कि इसके साथ ही 12 सूत्रीय मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें ये भी था कि उनको पेंशन जैसी सुविधा भी दी जानी चाहिए, क्योंकि वो लंबे समय से जनहित के काम करती है, राज्य सरकार के काम करती है, और राज्य सरकार की जो बड़ी योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुँचाने का काम आशा कार्यकर्ता करती है। और कोविड के दौर में जब कोई व्यक्ति अपने घरों से बाहर नहीं निकलना था, उस समय भी आशा कार्यकर्ताओं ने बहुत बेहतर काम किया था, और इन तमाम मुद्दों को लेकर वो प्रदर्शन जरूर कर रही, लेकिन सरकार की कोशिश होगी कि उनको जिस तरीके से मानदेय बढ़ा रहे हैं उसके साथ ही उन्हें समझाने की कोशिश की जाए, और उन्हें हड़ताल जिस तरीके से कर रहे हैं, वो प्रदर्शन जिस तरीके से सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं अब रोक लगाई जा सकती है, और सरकार उनसे बातचीत करके इस तमाम अन्य मुद्दे उन्हें भी सुलझाने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। जी पारो जी, चलिए सुभाष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ा ऐलान किया है सदन में। उन्होंने ये ऐलान किया, विधानसभा सत्र चल रहा है और ऐसे में बिजली बिलों के फिक्स चार्ज में 3 महीने की छूट देने का ऐलान किया, साथ ही आशा कार्यकर्तियों को भी 2,000 प्रति महीने देने का ऐलान सीएम की तरफ से किया गया है। ऐसे में ये बड़ी राहत उन्होंने दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने दोनों विधायक जो प्रदर्शन कर रहे थे अपने कार्यालय कक्ष में भी बातचीत के लिए उन्हें आमंत्रित किया था, और ऐसे में ये पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सदन में बड़ा ऐलान किया गया है, और बिजली बिलों के फिक्स चार्ज में 3 महीने की छूट देने का ये ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। तो बता देते हैं एक बार फिर से, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, जिन्होंने सदन में ये बड़ा ऐलान किया है और 3 महीने के बिजली बिलों के फिक्स चार्ज में 3 महीने की छूट का ऐलान उन्होंने किया है, साथ ही आशा कार्यकर्तियों को भी हर महीने 2,000 रुपए देने का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार स्थल पर पहुंचे कल्याण सिंह के पोते और राज्य मंत्री संदीप सिंह, और संदीप सिंह ने अंतिम संस्कार स्थल पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। संदीप सिंह ने कहा कि बाबूजी की अस्थियों को लेकर बसी घाट पर विसर्जन किया जाएगा, बाकी 2 कलश की अस्थियों को परिवार के लोग अयोध्या और काशी में विसर्जन करने के लिए जाएंगे। वहीं पार्टी के द्वारा भी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अस्थियों को पवित्र नदियों में प्रभावित किया जाएगा, साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी की तरह पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अस्थियों की कलश यात्रा निकाले जाने पर संदीप सिंह ने कहा कि इस विषय पर सभी अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, जो भी परिवार का निर्णय होगा उस पर ही काम किया जाएगा। बाबूजी प्रदेश के लाखों लोगों के लिए श्रद्धा का विषय हैं, और बुलंदशहर के आज नरोरा से एक कलश यात्रा पर गाँव मंडोली बाग तक निकाली जाएगी। बाबूजी के चाहने वाले जो भी अंतिम यात्रा के दर्शन नहीं कर पाए थे वो आज कलश यात्रा में बाबूजी के अस्थि का विसर्जन करवा सकेंगे, साथ ही उनके अस्थि के दर्शन भी कर सकेंगे। देखिए, जिस तरह से ये पूरा एक कार्यक्रम बनाया गया है, आज सभी परिवारजनों के द्वारा यहाँ पे आकर के जो अस्थियों को एकत्रित करने का कार्यक्रम होता है उसको आज किया जाएगा, और यहाँ गंगा जी में भी आज अस्थि विसर्जन पूज्य बाबूजी के अस्थि विसर्जन को किया जाएगा, और इसके बाद जो ब्रह्मभोज का कार्यक्रम है 1 तारीख का, उसके बाद में जो अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम है उसको सभी परिवार के जन के द्वारा काशी में और अयोध्या में जाकर के हमारे सभी हम परिवारजनों के द्वारा किया जाएगा, और बाकी की जितनी भी हमारी प्रमुख नदियाँ हैं, और जिस तरह से पार्टी ने एक रूपरेखा बनाई है वो पार्टी के द्वारा तय किया जाएगा कि जहाँ जहाँ पे अस्थि विसर्जन करनी है वो पार्टी के द्वारा किया जाएगा, और परिवारजनों के द्वारा काशी में जाकर के और अयोध्या में जाकर के पूज्य बाबूजी की अस्थि का विसर्जन हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। नहीं देखिए, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ, हर एक व्यक्ति का मैं समझता हूँ श्रद्धा भाव बाबूजी से हर एक व्यक्ति दिल से जुड़ा हुआ है, इस तरह की कोई भी मैं समझता हूँ कि एक आस्था का विषय है। हम सब परिवार के जन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जाकर के काशी में और अयोध्या में जाकर के करेंगे, बाकी का जिस तरह से एक व्यवस्था बनाई जाएगी उसके ऊपर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। हम सब जो जिस कार्यक्रम में परिवार शामिल होगा मैं उसको आपके बारे में बता सकता हूं।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपने गृह नगर संगम नगरी में पीएम शहरी आवास योजना के 150 लाभार्थियों को उनके मकान की चाबी सौंपी। लाभार्थियों में ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं शामिल थी और ऐसे में मंत्री नंदी के हाथों से अपने सपनों के आशियाने की चाबी मिलने के बाद ये सभी महिलाएं खुशी से फूली नहीं समा रही थी और पीएम मोदी और उनकी सरकार को दिल खोलकर दुआएं दे रही थी। घर पाने वाली महिलाओं का कहना था कि उनका वोट लेने के लिए तो तमाम पार्टियां और नेता आते रहते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार ने उन्हें सिर छिपाने के लिए छत के साथ जो इज्जत और सम्मान दिया है उसे वो जीवन में कभी नहीं भूलेंगी। 150 लाभार्थियों में ज्यादातर बता दें शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के नैनी इलाके के रहने वाले थे। शहरी आवास योजना के लाभार्थियों को उनके सपनों के आशियाने की चाबी सौंपे जाने के बाद नगर निगम की तरफ से सर्किट हाउस में कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ राजनीतिक पेंशन और नागरिक उड्डयन विभाग के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के साथ ही शहर की मेयर अभिलाषा गुप्ता भी खास तौर पर मौजूद रही थी। इस मौके पर शहरी इलाके में पीएम आवास योजना की कार्यदायी संस्था डूडा की प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रतिभा सिंह ने बताया कि प्रयागराज में अब तक अकेले शहरी क्षेत्र में 14,000 से ज्यादा लोगों को पीएम आवास योजना के तहत आशियाने मुहैया कराए गए हैं। आशियाना देने का अभियान लगातार जारी है और ऐसे में इस बार भी अब 150 लोगों को उनका सपनों का आशियाना दे दिया गया है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ रूबी सिद्दीकी ब्यूरो चीफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, महिलाओं को उनके सपनों का आशियाना मिला है, 150 महिलाओं को ये जो है उनका घर दिया गया है और क्या कुछ अपडेट है? देखिए पारुल, सबसे पहले बता दूं कि काफी समय से इस योजना का इंतजार हो रहा था और आज इसको अमली जमा पहना दिया गया है, यानी कि काफी टाइम होने के बाद आज ये जो योजना है इसका महिलाओं को एक गिफ्ट दिया गया है। खासतौर से अगर हम माने तो इंतजार काफी लंबा था, लेकिन अब इस तरीके से प्रोग्राम के साथ साथ इन लोगों को इस तरीके से गिफ्ट देने का मतलब ही यही बनता है कि अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है और जो ये मकान है वो निश्चित तौर पर अब आपका आशियाना है, वो बिल्कुल तैयार है और आप लोग अपने अपने घरों में जाइए और आप इस तरीके से जो इंतजार था उसकी विराम लग चुका है। और महिलाओं में भी खुशी की लहर जरूर है क्योंकि काफी टाइम से उनको इंतजार था अपनी आशियाने का। और कुछ महिलाओं का ये भी कहना है कि हमारे जो रजिस्ट्रेशन थे वो पहले हो चुके थे लेकिन अभी तक नंबर नहीं आया था और अब इतने लंबे समय अरसे के बाद अब इंतजार पूरा हुआ है, यानी कि आज उनको जो अपने सपनों का घर है वो मिल पाया है। बिल्कुल रूबी, और अभी इनको घर की चाबी मिल चुकी है तो क्या अब ये एकदम से उस घर में जा सकते हैं या अभी भी थोड़ा समय लगेगा? देखिए अभी कुछ लिखत पढ़ी की जो कार्रवाई है वो अभी अधूरी थोड़ी रह गई है, लेकिन चाबी जो है वो दे दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ समय लिया जाएगा, उस समय के बाद बताया गया है कि आप लोग अपने घर में प्रवेश कर सकेंगे, यानी कि अभी 10 दिन के माना जा रहा है कि आप उस घर के अंदर परिवार आप रह सकेगा। तो अभी जो फॉर्मेलिटीज होती है वो अधूरी थोड़ी सी बताई जा रही है, लेकिन चाबी जो है वो सौंप दी जाएगी। चाबी मिलने के बाद 10 दिन का समय लिया गया है, उसके बाद ही परिवार जाके वहां पे रह सकेगा। जी चलिए रूबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मुस्लिम महिलाओं को पीएम आवास योजना के तहत 150 महिलाओं को घर मिला है जिसमें ज्यादातर महिलाएं मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई हैं और ऐसे में महिलाओं के चेहरों पर खुशी है जब उन्हें उनका घर की चाबी मिल गई और लगातार जो महिलाएं हैं 150 महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त कर रही हैं, उनका धन्यवाद कर रही हैं। बसपा महासचिव ने बांदा में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली, साथ ही कई मुद्दों को लेकर उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज बहकावे में आ गया है, रामलला के नाम पर वोट के साथ नोट भी लिया गया है और यूपी में हर जिले का हाल बेहाल है। राम मंदिर के नाम पर अयोध्या में कुछ नहीं हुआ, बीजेपी मंदिर के नाम पर
1983 से ही पैसा इकट्ठा कर रही है, लेकिन वो पैसा कहाँ गया? बता दें कि बसपा नेता बांदा में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने ब्राह्मण वर्ग से 2022 में बसपा का समर्थन करने की अपील की। बसपा नेता सतीश मिश्रा ने प्रबुद्ध सम्मेलन के चौथे चरण की शुरुआत चित्रकूट से की थी, जिसके बाद वो बांदा पहुंचे। उन्होंने ब्राह्मणों को साधने के लिए बीजेपी और सपा पर जमकर हमला भी बोला। मथुरा के फरहा इलाके में निरीक्षण के लिए पहुंचे कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने जहां गांव में फैली महामारी से हुई मौत में शोक व्यक्त किया, साथ ही उन्होंने कहा कि यहां पर बीमारी को देखते हुए जिला अधिकारी को सख्त निर्देश भी दिए कि वो यहां कैंप लगाकर लोगों की जांच कराए, साथ ही पूरे गाँव में घर घर जाकर कीटनाशक का छिड़काव भी कराया जाए और जो भी लोग गरीब हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उन्हें सरकारी मदद भी दिलाई जाए। तो बता दें निरीक्षण करने पहुंचे थे कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण, उन्होंने निरीक्षण किया और महामारी से जुड़ी मौत पर शोक भी जताया, साथ ही कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। बड़ी दुखद घटना है, हमारे 8 बच्चों की मौतें हुई हैं। गांव में एक भयका वातावरण है। आज हमारी यहाँ मेडिकल टीम भी है, हमारे बाल कल्याण समिति के लोग भी यहाँ हैं। मैंने आज जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि तत्काल गांव में कैंप लगाया जाए और पहुँगाम के चारों तरफ जो भी नज़दीक के गांव हैं उनमें समय सघन प्रत्येक घर में, चाहे उनके लैट्रिन हो, बाथरूम हो, चाहे उनके किचन हो, सब में पूरी तरह से छिड़काव कराया जाए, सैनिटाइजेशन कराया जाए और यहाँ कैंप लगा के हर व्यक्ति की जांच की जाए। जो भी इस समय जिस भी दवाई की आवश्यकता होगी, जिस औषधि की आवश्यकता होगी, पूरी तरह से सरकार और प्रशासन उसका प्रबंध करेगा, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और कैंप लगा के। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए यूपी भी अलर्ट मोड पर आ गया है। बता दें कि दूसरे राज्यों में कोविड मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते यूपी में अब बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर जांच बढ़ा दी गई है और इसी के साथ भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी जांच बढ़ा दी गई है। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सावधानी बरतने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो बता दें अब देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले जब बढ़ने लगे हैं तो तीसरी लहर को देखते हुए यूपी भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है और दूसरे राज्यों में जब से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसको देखकर यूपी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। इसीलिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर और भीड़ वाले इलाकों में जांच जो है बढ़ा दी गई है, साथ ही सख्त दिशा निर्देश पालन करने की भी अपील की जा रही है, सावधानी बरतने के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कुशीनगर में कस्या थाना क्षेत्र में शराबी पति ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। पति ने खुद भी जहर खा लिया जिससे उसकी हालत गंभीर है और इलाज के लिए उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना का कारण पारिवारिक कलह बताया जा रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। कसिया थाना क्षेत्र राजगीर मिस्त्री का काम करने वाले जितेंद्र के शराब पीने की लत से पूरा परिवार परेशान था। आर्थिक तंगी के बीच जितेंद्र का शराब पीना पूरे परिवार पर भारी पड़ रहा था। जितेंद्र की पत्नी लीलावती शराब पीने को लेकर अक्सर विवाद करती थी। कुछ दिन पहले जितेंद्र और लीलावती में फिर विवाद हुआ, जिससे नाराज होकर लीलावती अपने मायके चली गई। रक्षाबंधन के एक दिन पहले जितेंद्र भी अपने ससुराल पहुंचा और शराब न पीने का वादा करके अपनी पत्नी लीलावती को लेकर घर आया। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर वो शराब पीने लगा, जिसको लेकर लीलावती और उसके बीच झगड़ा हुआ। देखिए, हम लोगों को जानकारी हुआ कि एक घर जो है वो बंद है और वहाँ पे
शायद माता जी गई थी देखने के लिए अपने बच्चे को, तो उनको जब उन्होंने घर के बाहर से झांक के देखा तो उसमें एक महिला और तीन बच्चे और साथ में उनका बेटा, ये तीनों उस कमरे में थे। तो मौके पर जब उस कमरे को खुलवाया गया तो उसमें ये तथ्य निकल के आया कि जो पति है उसने अपनी पत्नी और तीन बच्चों का उनका जो है हसीये से जो है गला रेत कर उनकी हत्या कर दी है और स्वयं भी कोई विषैला पदार्थ उसने खा लिया है। सूचना पर तत्काल ही जो आरोपी व्यक्ति है जिसका नाम जितेंद्र कुशवाहा है, करीब 35 वर्ष का है और ये राजमिस्त्री का काम करते हैं, इनको हॉस्पिटल भेजा गया लेकिन इनकी चूँकि हालत बहुत अधिक जो है गंभीर बताएगी, इनको तत्काल हायर मेडिकल सेंटर पर रेफर किया गया है। जो मृतक हैं बच्चे हैं और जो मृतका है उसके परिवार वालों को हम लोगों ने बुलाया है, इसमें अन्य अधिकार भी हम लोग कर रहे हैं। बीती रात जितेंद्र ने पत्नी और तीन बच्चों को खाना खिलाया और फिर सब सोने चले गए। उसके बाद दोपहर तक उसके घर में कोई हलचल नहीं हुई तो पड़ोसियों को शक हुआ और पड़ोसियों ने जितेंद्र और उसके बच्चों का नाम लेकर बुलाया लेकिन कोई हरकत नहीं हुई, जिसके बाद पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर जाने पर तख्ते पर तीन बच्चे 8 वर्षीय आकाश, 6 वर्षीय विकास और 4 वर्षीय निखिल पड़े हुए थे जिनकी बड़ी बेदर्दी से हत्या कर दी गई थी। थोड़ी दूर पर लीलावती भी मृत पड़ी थी। जितेंद्र भी बेसुध था जिसे स्थानीय लोगों ने कसिया CHC में भर्ती कराया जहां से उसे गोरखपुर मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया। महिला सहित तीन मासूम बच्चों की हत्या से पूरा गांव दहल गया है। लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचित किया जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाद में पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच में जुट गई है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए कुशीनगर से दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।